तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने दो इन्वर्टर रखे हुए हैं। दोनों माइक्रोटेक कंपनी के इन्वर्टर हैं और इसका मॉडल है EB700 और इसका मॉडल है EB900। अक्सर हम लोग जब इन्वर्टर खरीदने जाते हैं तो हम लोग जो ये मॉडल नंबर होता है इसे इन्वर्टर की कैपेसिटी समझने की गलती कर बैठते हैं और ऐसा सबके साथ होता है। हमें ये लगता है कि ये EB700 700 VA का इन्वर्टर है और ये EB900 900 VA का इन्वर्टर है, तो हम लोग इस धोखे में ये इन्वर्टर खरीद लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, ये सब कंपनी का केवल मॉडल नंबर है। पहले किसी जमाने में, आज से 4-5 साल पहले तक जो इन्वर्टर आते थे उस पर यहाँ पर इन्वर्टर की कैपेसिटी लिखी हुआ करती थी। जैसे ये केवल 700 लिखा है, EB700 लिखा हुआ करता था, 700 VA। अब आपने देखा होगा इन्वर्टर पर से धीरे धीरे VA लिखना कंपनीज ने खत्म कर दिया है, तो उसकी वजह यही है कि अब ये कैपेसिटी इनकी कम हो गई है। लेकिन उन्होंने मॉडल नंबर यहाँ पर 700 या फिर 900 या 800 या 1100 कुछ भी लिख देते हैं, इससे कस्टमर मिसगाइड होता है। कस्टमर ये सोचता है कि ये इनकी कैपेसिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बताते हैं इनकी एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, आप कैसे पता लगा सकते हैं, तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी भी आप इन्वर्टर खरीदें तो आप इन्वर्टर के जो फ्रंट पर लिखा होता है इस पर ना जाए। इन्वर्टर आप घुमा कर देखें। देखिए, मैं आपको घुमा कर दिखाता हूँ इन्वर्टर। ये देखिए, इन्वर्टर हमने घुमाया तो देखिए इसके पीछे ये एक इस तरीके की एक चिट लगी होती है। आपको नजदीक से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर इन्वर्टर की पूरी सच्चाई लिखी होती है। देखिए मॉडल नंबर है इसका UPS EB700, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, और जो असली चीज है वो ये है कैपेसिटी। देखिये कैपेसिटी इस पर यहाँ पे लिखी है 600 VA 510 वाट। यानी ये इन्वर्टर 700 VA का नहीं, 600 VA का। ये जितनी भी कंपनियां हैं ये सब पीछे लिखती हैं, आगे नहीं लिखती हैं। तो इसकी एक्चुअल कैपेसिटी ये है। अब आपको हम जो दूसरा इन्वर्टर हमारे पास रखा हुआ है, ये देखिए, ये EB900, इसकी कैपेसिटी दिखाते हैं कि इसकी एक्चुअल कैपेसिटी क्या है। ये देखिए, इस पे 900 लिखा हुआ है बट इसकी एक्चुअल कैपेसिटी है 800 VA 672 वाट। तो आप कभी भी इन्वर्टर खरीदें तो आप जो आगे कैपेसिटी, आगे जो मॉडल नंबर लिखा है उस पर ना जाए, आप पीछे घुमाकर देखें तब आपको मालूम पड़े। इससे देखिए दिक्कत ये आती है कि कई बार ओवरलोड की दिक्कत आती है। हमें लगता है कि हमारा इन्वर्टर 700 VA का है या 800 VA का है, उसके बावजूद ओवरलोड की दिक्कत आती है, तो उसकी वजह यही रहती है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले कुछ साल पहले तक इन्वर्टर पर जो यहाँ पर कैपेसिटी लिखा हुआ, मॉडल नंबर लिखा हुआ करता था या कैपेसिटी लिखा हुआ करती थी, वो बिल्कुल एक्चुअल हुआ करती थी। जैसे ये सुकेम का इन्वर्टर है, इसका मॉडल है टॉक 650। तो फिर अब हम इसकी कैपेसिटी देखेंगे कि कंपनी ने इसकी कैपेसिटी क्या बता रखी है, इसे भी घुमा के देखेंगे। ये देखिए, इसका मॉडल दे रखा है टॉक 650 VA, यानी पूरा 650 VA का इन्वर्टर है। पहले ऐसे ही हुआ करता था, कंपनी जो लिखती थी VA में अपनी मॉडल जो हुआ करता था, VA के हिसाब से फ्रंट पर लिख दिया करती थी, तो हम उसी हिसाब से इन्वर्टर खरीद लिया करते थे। बहुत सारे लोग जो इन्वर्टर बेचते हैं उन्हें भी ये बात पता नहीं होती, वो भी इसे 800 VA 700 VA या 600 VA कहकर कस्टमर को बेच देते हैं, बट उसकी एक्चुअल कैपेसिटी कुछ और होती है। बाद में कई सारी दिक्कत आती है, ओवरलोड की परेशानी आती है, कस्टमर अपना पूरा लोड नहीं चला पाता है, तो ये सारी परेशानियां रहती हैं। देखिए 650 VA। अब आपको हम ल्यूमिनस का इन्वर्टर भी दिखाएंगे। देखिए ये ल्यूमिनस का इन्वर्टर है, इको वाट प्लस 650। तो अक्सर लोग गलती करते हैं इसे 650 VA समझते हैं, लेकिन ये 650 VA नहीं है। इसकी एक्चुअल कैपेसिटी आपको दिखाते हैं, इसे भी घुमाएंगे। ये देखिए, हमने इसे घुमाया और ये देखिए पीछे स्टिकर लगा हुआ है, इसकी कैपेसिटी दे रखी है। जो कैपेसिटी है इसकी 600 VA 504 वाट। ये देखिए, इसकी एक्चुअल कैपेसिटी है। इस तरह से किसी भी कंपनी का आप इन्वर्टर लोगे तो फ्रंट पर कुछ और लिखा होता है बट एक्चुअल कैपेसिटी कुछ और होती है। फ्रंट पर जो लिखा होता है वो केवल मॉडल होता है। पहले कंपनियां इसे VA लिखती थी लेकिन अब इसे मॉडल कर दिया है। अब एक्चुअल कैपेसिटी इसकी 600 VA है। कभी भी आप इन्वर्टर खरीदने से 600 VA समझ कर खरीदें, 650 VA समझ कर कभी भी ना खरीदें। ये देखिए, अच्छे से देख लीजिए, ल्यूमिनस कंपनी का एक पुराना मॉडल है ये, ल्यूमिनस इलेक्ट्रा 675 VA। देखिए 675 VA लिखा होता था आगे, पहले अब केवल 675 या 650 कर दिया, VA खत्म हो गया है। अब इसे दिखाते हैं पीछे से कि इसकी एक्चुअल कैपेसिटी क्या है। ये देखिए, इसकी एक्चुअल कैपेसिटी है 675 VA, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो अब ये थोड़ा VA खत्म हो गया, केवल आगे मॉडल नंबर देना शुरू कर दिया। सभी कंपनियों में यही पोजीशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।